इस जंगी लड़ाई में पूरे देश के अंदर तहलका मच गया है। यहाँ तक कि हमास ने जो जैसा काम किया है उसको वैसा परिणाम मिलना चाहिए, लेकिन नहीं। कई अरब कंट्रीज हमास का साथ दे रहा है, कई मुस्लिम देश हमास का साथ दे रहा है, पूरे फिलिस्तीन को सपोर्ट किया जा रहा है। यहाँ तक कि इसराइल का सपोर्ट में सिर्फ अमेरिका और ब्रिटेन ही आया है। तो देखने वाली बात है कि हमास के जिस तरीके से यहाँ पे आतंकियों ने इसराइल पर अटैक किया है और इसराइल को पहले ही मारा है, उसको लिए फिलिस्तीन पूरा का पूरा अब दावा कर रहा है कि पूरा हमास ही जीते। लेकिन यहाँ पे इसराइल कह रही है कि जब तक हमास को पूरा गायब नहीं कर देते नक्शा से, तब तक हम युद्ध रोकेंगे नहीं। पूरे देश में युद्ध चल रहा है, लेकिन यहाँ पे हमास का फिलिस्तीन का सपोर्ट किया जा रहा है कई देशों से। पूरे अरब देश उसका साथ देने के लिए उतर गए हैं। तो देखने वाली बात है कि कितने ज़्यादा यहाँ पे भयावह और ज़्यादा यहाँ पे लड़ाई छिड़ने वाली है। इस युद्ध से पूरा देश कांप उठा है और देखने वाली बात है कि ये युद्ध और ज़्यादा भयावह रूप लेते नज़र आ रही है। तो पूरे देश के अंदर तहलका मचा हुआ है इस लड़ाई से। तो आगे आगे देखने वाली बात है कि हमास के अंदर कई अरब देश, मुस्लिम देश यहाँ पे उनका साथ दे रही है फिलिस्तीन का। अब देखने वाली बात है कि अभी दो तीन ही इसराइल के सपोर्ट में देश उतर पाए हैं और क्या आगे चल के होता है। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं।